भाई एक दूसरे भाई के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, आसानी से लड़के मिल जाते थे शारीरिक संबंध के लिए। मैंने उसे डाउनलोड किया, फिर मैं उसे चलाने लगा। इससे इससे मेरे बहुत सारे गंदे दोस्त बन गए, एक ग्रुप बन गया और उस ग्रुप का लीडर मैं था। नशा करना और क्लब में जाना और बियर बार में जाना और भी हुक्का बार में सब हम लोग नशा करने लगे थे। तो मैं कहा लड़कियों से शादी करने से अच्छा मैं लड़कों से ही शादी कर लूँ। ये सोचता है कि वो उस गंदे काम को ना करे, पर ये वही काम करता है जो इसे नहीं करना चाहिए। अलग ही जीवन जीने लगे, हर रोज एक नए आनंद के साथ जीते थे। 2 महीने हो गए भैया, जो चीज हम दिन में 2 बार 3 बार करते थे वो आज 2 महीने हो गया हम एक भी बार नहीं। क्या नाम है भैया जी आपका? अभिषेक नाम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम प्रतापगढ़ ओजकपुरवा के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही है कि ये भाई जब 13 साल की उम्र में थे तभी से ये भाई समलैंगिका की वासना में थे। समलैंगिका एक वासना है, पाप की वासना है, जिसमें ये भाई एक दूसरे भाई के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। और ये जब 13 साल की उम्र इनकी थी तब से ये भाई इस पाप की वासना में जीवन जी रहे थे, और जिससे ये हर दिन किसी न किसी दूसरे भाई के साथ ये शारीरिक संबंध बनाते थे। क्या आपका जीवन ऐसा ही था भैया जी? हाँ ब्रदर जी। आप खुद बताएं अपने जीवन के विषय में कि आप क्या होता था, आप कैसा जीवन था, आप कब से ये आपके जीवन में ये पाप की वासना आ रही है? जब से हम जानने लगे कि हैं कि जानकार हो गए हैं तब से हमें इस चीज़ का असर था, और हमें नए नए लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाना पसंद था। और बहुत ही मतलब हम अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे ना, हम कहीं पढ़ाई में भी नहीं मन लगता था, किसी भी चीज़ में हमारा मन नहीं लगता था। हम बहुत स्ट्रगल, बहुत परेशानी में, बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। जैसे आप अपनी गवाही में इस प्रकार आपने लिखवाए हैं कि मैं जब 13 साल की उम्र में थे जब जानने लायक हुआ तभी से मैं इस पाप का असर मेरे जीवन में था, और मैं हर दिन किसी न किसी भाई के साथ शारीरिक संबंध को मैं बनाता था। यस ब्रदर। और आप अपने दोस्तों के साथ हर समय यही काम करते थे। yes, और आपके किसी दोस्त ने आपको एक ऐप बताया था, क्या बताया था आप खुद बताएं? जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो वो ऑनलाइन सिस्टम हो गया था, तो हमारी भी पढ़ाई जो थी मोबाइल के थ्रू होने लगी थी, और फिर उसी के थ्रू हम फेसबुक ऑन किए। उसी अकाउंट पे हमें एक लड़का मिला जो बिहार का था, उसने मुझे ये ऐप एक ऐप के बारे में बताया जिससे आसानी से लड़के मिल जाते थे शारीरिक संबंध के लिए। मैंने उसे डाउनलोड किया, फिर मैं उसे चलाने लगा। इससे इससे मेरे बहुत सारे गंदे दोस्त बन गए, एक ग्रुप बन गया और उस ग्रुप का लीडर मैं था। बहुत सारे गंदे काम हम लोग करने लगे, नशा करना और क्लब में जाना और बियर बार में जाना और भी हुक्का बार में सब हम लोग नशा करने लगे थे। पूरी तरह मैंने अपने ज़िंदगी को एक पाप की ज़िंदगी बना ली थी। जैसे आप अपनी गवाही में इस प्रकार आपने लिखवाया कि जब मेरे दोस्त ने मुझको बताया, वो बिहार का जो भाई था, इनको बताया कि आपको एक सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा, जिसको आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो उस ऐप के थ्रू आपको हर दिन आपको कोई ना कोई लड़का मिलेगा जिससे आप आसानी से शारीरिक संबंध बना सकते हैं उससे। यस ब्रदर जी, ऐसा ही वो बताया भैया। हाँ ब्रदर जी। तो आपने ऐप को डाउनलोड किया अपने मोबाइल में? यस ब्रदर जी। फिर उसके बाद क्या होता था? फिर उसके बाद आसानी से मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ती थी शारीरिक संबंध के लिए, आसानी से लड़के मिल जाते थे। कैसे मिलते थे, मतलब उसमें कोई नंबर वगैरह या कैसे? नहीं, आईडी रहती थी, जैसे एक हमारी आईडी रहेगी और पास के लोकेशन के जितने भी लोग जैसे वो ऐप चलाते रहेंगे उनकी आईडी रहती थी, तो उनसे आसानी से बातें हो जाती थी, आप कहाँ से हैं, आप हमसे मिल सकते हैं, ऐसे आसानी से मिल जाते थे हमसे। और वो मिल जाते थे, और आप हर दिन ऐसा ही करते थे? हाँ डेली, कभी कभी एक बार दो बार, डेली करते थे। कभी कभी नाइट चले जाते थे हम, पूरा घर नाइट घर ही नहीं आते थे। और जिससे आप इस पाप की वासना में जीवन जी रहे थे, जिससे आपका जीवन बहुत ही डिप्रेशन में था, तनाव में था आपका जीवन, आपका पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही थी क्योंकि पाप की वासना ने आपके पूरे जीवन पर अधिकार करके रखा हुआ था। यस ब्रदर जी। जिससे आपके मन में ये बातें आती थी और आप कब ये सोचते थे कि मैं कभी भी लड़कियों से, बहनों से शादी नहीं करूंगा, मैं भाइयों के साथ ही शादी करूंगा, ऐसा ही क्या मन में आता था आप खुद बताएं?
मैं जब लड़कों के साथ शारीरिक संबंध करने लगा, फिर लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता था, कोई रुचि नहीं रहती थी, लड़कों में रहती थी, तो मैं कहा लड़कियों से शादी करने से अच्छा मैं लड़कों से ही शादी कर लूँ। और आप पुरुष के साथ, लड़कों के साथ ऐसे शारीरिक संबंध बनाते थे, और आपको मन में ये बात आती थी कि मैं लड़के के साथ ही शादी करूँगा और बहनों के साथ या बहनों के साथ शादी नहीं करूंगा। यस ब्रदर जी, ऐसा ही मन में आपके आते थे, आपके सोच में, आपके ख्याल में आते थे। yes, और आपको ये आपको कैसे होता था, मतलब क्या होता था, आप खुद बता सकते हैं? मैं ऐसा लगता था कि कोई फ़ायदा नहीं है, मैं मतलब ना मम्मी से ना पापा से घर वाले से कोई मतलब नहीं, खाली यही जो ग्रुप जो इस ऐप के थ्रू जो दोस्त थे उन्हीं के साथ रहना, खाना पीना सोना, फिर उसी के साथ सुबह, फिर उन्हीं के साथ शाम होना, उन्हीं के साथ हमेशा रहते थे। मैंने कहा मैं इससे अच्छा मैं घर ही छोड़ दूँ, मैं सब कुछ छोड़ दूँ, मैं लड़की कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जब इससे अच्छा की है कि मैं इन्हीं के साथ रहूँ, इन्हीं से शादी कर लूँ। और जिस ग्रुप के हम लीडर थे उस ग्रुप में कई लोग ऐसे भी थे, लड़के लड़के जो आपस में इंगेजमेंट कर लिए थे, शादी कर लिए थे और घर घर अपना छोड़ के अलग रूम रह के रहते थे, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी अपना घर द्वार छोड़ के अपना रहूँ, यहीं फिक्स हो जाऊँ किसी के साथ। और आप ये सोचते थे कि मैं भी जैसे मेरे दोस्त कई जो आपके गैंग के लोग थे, जो आपके ग्रुप के लोग थे, उन्होंने भाइयों के साथ शादी किया, तो आप भी ये सोचते थे कि मैं भी भाइयों के साथ शादी करूंगा और मैं लड़के के साथ शादी करूंगा, उन्हीं के साथ रहूंगा, मैं बहन के साथ शादी नहीं करूंगा, और अपने घर परिवार से आप अलग रहना चाहते थे। yes, आप मम्मी पापा से, अपने घर लोगों से, अपने जितने भी घर के लोग होते थे उनसे आप कभी भी मतलब प्रेम के साथ नहीं रहते थे, घर में भी कभी समय से नहीं रहते थे, कभी बाहर रहते थे, और हर समय उन्हीं दोस्तों के साथ रहते थे आप। यस ब्रदर जी, जिससे आप बहुत ही जीवन आपका तनावग्रस्त था। Yes, और आपका जो भी पढ़ाई का काम था वो कैसे था उस समय? वो बहुत बेकार हो गया था ब्रदर जी, जब हमारा 12th कम्प्लीट हुआ तो मम्मी लोग ने हमें दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा, वहाँ भी जब हम गए तो वहाँ भी यही ऐप के थ्रू गलत लोगों के साथ रहने लगे, वहाँ भी नहीं रहे, फिर वहाँ चले आए, पापा लोग का पैसा खर्चा हुआ, फिर क्या बोलते हैं यहाँ प्रतापगढ़ में भी मम्मी लोग ने कंप्यूटर क्लास और तमाम क्लासों में पैसा जमा कर दिया, केवल 2 दिन या 3 दिन, बहुत ज़्यादा ज़्यादा 5 दिन जाते थे, फिर सब छोड़ देते थे, पढ़ाई से बहुत दूर दूर तक मेरा नाता ख़त्म हो गया था। क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम उसी में व्यतीत होता था, उसी ग्रुप के लोगों से बातचीत करना और बातचीत कर करके उनके पास जाना और उनसे शारीरिक संबंध बनाना, लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाना, और आपकी ये रुचि थी कि मैं बहन से शादी नहीं करूंगा, मैं लड़के से ही शादी करूंगा, क्योंकि बहनों के आपको इंटरेस्ट नहीं था, आप भाइयों से ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, और आप ये सोचते थे कि मैं भाइयों के साथ ही शादी करूंगा और उन्हीं के साथ शादी करके उन्हीं के साथ रहूंगा। यस ब्रदर जी, और जिससे आपके पढ़ाई में आपके जो कुछ भी आपका कैरियर था वो पूरी तरह से ख़त्म होता जा रहा था और आपका जीवन पाप में बढ़ता ही जा रहा था, जिससे आपका जीवन बहुत ही तनावग्रस्त था, बहुत ही आप परेशान थे, डिप्रेशन में चले जाते थे कभी, जैसे अपनी गवाही में लिखा कि मैं बहुत ही तनावग्रस्त मेरा जीवन था, मैं अपने घर के लोगों से प्रेम नहीं कर पाता था क्योंकि पाप मुझे ऐसा होता था कि ये पाप मुझे खींचता था अपनी ओर और मैं वहाँ पर चला जाता था पाप करने के लिए, मुझे कुछ भी घर के लोगों से कोई प्रेम नहीं रहा था, बस अपने उसी दोस्तों के साथ, उसी ग्रुप के लोगों के साथ मैं प्रेम करता और वहाँ पर रह करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। यस ब्रदर जी, जिससे आपका जीवन बहुत ही खराब था। फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर जी, उसी ग्रुप का एक मेंबर था, वो बताने लगा कि तुम बहुत गंदे होते जा रहे हो, इतने तो गंदे हम लोग नहीं थे जितने गंदे तुम होते जा रहे हो, एक काम करो तुम प्रभु यीशु मसीह को चर्च में मतलब प्रभु को जानो। फिर मैंने कहा होगा कोई, मुझे इससे क्या, कह नहीं तुम जानो। फिर मैं वो जब वहाँ से घर आया तो मैंने देखा, मैं देखते हैं कौन है, शायद मैं आज़ाद हो जाऊँ, इतनी कोशिश कर रहा हूँ, खुश से तो हो नहीं रहा हूँ, शायद हो जाऊँ आज़ाद। अच्छा, अब जो आपके जीवन में जो पाप की वासना थी उस चीज़ से आप आज़ाद होना चाहते थे? यस ब्रदर जी, हम जब शारीरिक संबंध करके आते थे तो कभी कभी घर पे रोते भी थे, हम कहे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं एकदम अलग इंसान हूँ, मैं दुनिया में दुनिया के लोगों की तरह नहीं, मैं अलग जीवन जी रहा हूँ। मैं रोता था, मैं किसी को नहीं कहता था, मैं केवल रोता रोता ही रहता था। और आप इस चीज़ों से आज़ाद भी होने के लिए कई बार आपने प्रयास किया लेकिन ऐसा नहीं होता था। जब भी आपको उस संबंध को बना के आते थे तो आपको मन में ये बातें आती थी और उस बात को लेकर आपको रोना आता था। हाँ ब्रदर जी, फिर आपको सुसमाचार कैसे मिला? फिर हम जब ऑनलाइन देखने लगे उसको तो ऑनलाइन देखे तो ये हमें प्रताप यहाँ प्रयागराज का ही दिख गया, तो हम यहाँ यहाँ पर फ़ोन लगाए आश्रम में, तो हम पूछे हम प्रतापगढ़ के, हमको वहाँ आना है, कैसे आएँ, तो उन्होंने रास्ता बताया, कॉल पे बात करते करते हम यहाँ आए। और जैसे आप अपनी गवाही में इस प्रकार आपने लिखवाया कि आपको YouTube के माध्यम से
इस चर्च का पता चला और यूट्यूब के माध्यम से आपको सुसमाचार मिला। यस ब्रदर जी। और आपने ऑनलाइन कार्यक्रम को देखना शुरू किया। यस ब्रदर। और फिर आपको जानकारी हुआ, आप चर्च में भी आने लगे। यस ब्रदर। यहाँ प्रार्थनाओं में शामिल होने लगे, लगातार आप प्रार्थना में आए और जो चीज आपके जीवन में था, जिस पाप की वासना में आपका जीवन था, उस चीज से आप आजाद होना चाहते थे, क्योंकि आप उस चीज से पूरी तरह से ग्रसित थे और आप चाहते थे कि मैं आजाद हूँ, लेकिन नहीं हो पाता था। और आप ग्रुप के साथ हर समय टाइम को व्यतीत करते थे, लेकिन जब आपको सुसमाचार मिला, आप जब चर्च में आए, लगातार आप संगति करने लगे, ऑनलाइन कार्यक्रम को आप देखने लगे, वचनों पर भरोसा किए और विश्वास के साथ इस यीशु आश्रम चर्च में आने लगे, और 29 अप्रैल 2022 को जब आप चर्च में उपस्थित थे, तो परमेश्वर के दास ने आपको सामने बुलाया और सामने बुलाकर आपके लिए भविष्यवाणी के वचन बोले। यस ब्रदर जी। क्या बोले आप वचन? हम थर्सडे को देखे और फ्राइडे को यहाँ पहुँच गए। फर्स्ट टाइम यहाँ पे पहली बार हम आए थे, तो हम पीछे बैठे थे, हमको उतना पता नहीं था। फिर हम वहाँ से कब यहाँ आ गए ये भी नहीं पता था। फिर यहाँ पे ब्रदर जी ने मेरे प्रार्थना की, मुझे ये भी नहीं पता था। फिर जब हम घर गए तो हम देखे, ब्रदर जी ने कहा तुम एक पाप की आत्मा से ग्रस्त थे और तुम कोशिश करना चाहते थे कि वो पाप ना हो, पर तुमसे वो पाप हो जाता था। फिर ब्रदर जी ने कहा आज से तुम वो आत्मा से, वो पाप की आत्मा से आज़ाद होने लगोगे। और आप 29 अप्रैल 2022 को फर्स्ट टाइम इस चर्च में आ पाए थे। यस ब्रदर जी। बाकी आप ऑनलाइन कार्यक्रम को देख रहे थे। हाँ, थर्सडे को देखे थे और फ्राइडे को यहाँ आ गए थे। आप चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने आपको सामने बुलाया और आपके लिए लेहन भी प्रार्थना की और भविष्यवाणी के वचन भी बोले कि आप जिस किसी पाप में फंसे हैं, उस चीज से आप आजाद होना चाहते हो, आप उसको करना नहीं चाहते हो, लेकिन वो आपसे हो जाता है। यस ब्रदर जी। और आपके लिए उसी दिन वो लेहन प्रार्थना किए, हाथ रख के प्रार्थना किए, और उस प्रार्थना के बाद आपके जीवन में बदलाव हुआ। यस ब्रदर जी। तो आइए हम अपने स्क्रीन पर उस प्रार्थना को देखते हैं, जिस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में जो पाप का असर था, पाप का प्रभाव था, वो टूटा। तो आइए हम अपने स्क्रीन पर उस प्रार्थना को देखते हैं, ले हैंड प्रार्थना को। सामने इसे देखो, इसकी पूरी कंडीशन दिखाओ, सुनो ध्यान से। इस जवान के अंदर एक पाप की आत्मा काम कर रही है। यह अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास करता है, अपने आप को बहुत ही कि वो काम ना करे, पर इससे होता है, यह सोचता है कि वो उस गंदे काम को ना करे, पर यह वही काम करता है जो इसे नहीं करना चाहिए। जवान, आज से तू रिहाई पाएगा, तुझे यीशु मसीह आज से रिहाई देने आया है। तेरे अंदर का काम कर रहा हुआ अंधकार की शक्तियां आज से टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तू निजात पाएगा आज से। आज से सीधे खड़ा हो जा। गया। और जब परमेश्वर के दास ने आपको फर्स्ट टाइम, आपको पहली बार चर्च में मुलाकात हुई और परमेश्वर के दास ने आपके लिए ले हैंड प्रार्थना किए और भविष्यवाणी के वचन बोले, क्योंकि आपसे वो कभी मुलाकात नहीं हुई थी परमेश्वर के दास से, वो जी। पहली बार मुलाकात हुई और उन्होंने परमेश्वर ने के दास ने आपके लिए जीवन के विषय में जो आप करते थे उसके बारे में भविष्यवाणी के वचन दिए जी। कि आप ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसे पाप के जीवन में हैं, उन्होंने बोला और आपके लिए उसी दिन ले हैंड प्रार्थना किए। यस ब्रदर जी। तो उसके बाद से फिर आपके जीवन में कैसा बदला हुआ? उसके बाद से हम जब यहाँ से गए तो अलग ही जीवन जीने लगे। हर रोज़ एक नए आनंद के साथ जीते थे। मम्मी को कहते थे, मम्मी हम आज एक पता नहीं क्यों इतना आनंद फील कर रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना खुश है, क्या है घर में जो इतना हम खुश होने लगे हैं। और हम पढ़ाई भी करना चालू कर दिए पूरी रीति से, यहाँ तक कि इतने समझदार हो गए थे कि पापा के सारे पैसे मैं ही रखने लगा था, जो मम्मी सोचती थी कि मेरा बेटा निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता था, वो लाखों लाखों रुपए लाके मुझे दे देती थी कि अब मेरा बेटा ये सही इस्तेमाल करेगा, और मैं उन लाखों लाखों रुपए का एक एक पैसे का हिसाब मम्मी को देता था ना। मैं उन गलत, फिर जब
ना मैं फिर वहाँ उस गलत राह पे गया। और मैंने जैसे कभी दो या तीन दिन मुझसे प्रार्थना नहीं हो पाती थी, तो मैं सोचता था कहीं मैं पाप ना कर बैठूँ, ये कर ना बैठूँ, लेकिन मैं प्रभु ने मुझे वो पाप फिर से दोबारा उस कीचड़ में कभी जाने ही नहीं दिया। और जिस दिन से परमेश्वर के दास ने आपके लिए ले हैंड प्रार्थना किया, उसी दिन से आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हुए। यस ब्रदर जी। और उस पाप की परिस्थिति से परमेश्वर ने आपको आजाद किया। यस ब्रदर जी। उस दिन से जब आप अपने घर में गए तो एक आपको अलग फीलिंग महसूस हुआ, जिससे आप अपने घर में आनंद को प्राप्त किए, और उस दिन से आप पूरी तरह से आजाद हैं। यस ब्रदर जी। आप बिल्कुल अच्छे, आपको कब तब से आप कोई भी ऐसा कम नहीं किए? नहीं ब्रदर जी। अब बिल्कुल आप पाप की वासना जो आपके जीवन में थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। यस ब्रदर जी। तो ध्यान दीजिए कि ये भाई किस तरह से पाप की वासनाओं में जीवन जी रहा था, और जिससे ये भाई हर दिन ये पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, और इन्होंने अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड किए थे जिससे इनको आसानी से पुरुष मिल जाते थे, जिसमें ये उसमें मिल करके ये शारीरिक संबंध को बनाते थे, और इस पाप के वासना में ये पूरी तरह से अपने जीवन जीने का जो इनका जरिया था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ये बस किसी से अपने घर वालों से प्रेम नहीं रखते थे, बस उसी गैंग के लोगों से जो ग्रुप के लोग होते थे उसी के साथ हर समय व्यतीत करते थे, कोई पढ़ाई लिखाई जो भी करते थे वो सब कुछ इनका छूट चुका था, और ये पाप की वासनाओं में ही जीवन जी रहे थे। लेकिन जब इनको सुसमाचार मिला यूट्यूब के माध्यम से, और ये परमेश्वर पर भरोसा किए, क्योंकि ये कई बार ये चाहे कि मैं उस पाप की परिस्थिति से आज़ाद हूँ लेकिन नहीं हो पाता था, लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, विश्वास किया और चर्च में आए, ऑनलाइन मीटिंग के बाद फर्स्ट टाइम जब यहाँ चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने इनके लिए ले हैंड प्रार्थना किए, हाथ रख के प्रार्थना किए, और इनके जीवन के विषय में भविष्यवाणी बोले कि आपको ऐसी ऐसी समस्या है, आप ऐसे पाप में फंसे हुए, और परमेश्वर के दास ने उसी दिन के लिए ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किए, और उसी दिन से इनके जीवन में बदलाव आया, पाप की परिस्थिति से इनके जीवन में छुटकारा मिला। अब आप कैसे हैं भैया जी? अब एकदम आनंद के साथ रहते हैं भैया। आप ऐसा क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे भाई, ऐसे बहुत सारे भाई लोग हैं जो अपने जीवन में इस पाप की वासनाओं में जीवन जी रहे हैं, वो भी बहुत सारे गलत कामों को ऐसे पाप में जीवन जी रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे क्या बोलेंगे आप उनके लिए? हम एक ही बात बोलेंगे उनसे, ये ना आपकी ताकत से हो पाएगा, ना ये आपकी बुद्धि से हो पाएगा, ये केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हो पाएगा। और आप कितने दिन से, आप बिल्कुल सही हैं, आपको इस पाप की वासना से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है? 2 महीने हो गए भैया। तो जो चीज़ हम दिन में 2 बार 3 बार करते थे वो आज 2 महीने हो गया हम एक भी बार नहीं किए। एक बार भी आपने नहीं किया? यस ब्रदर जी। तो सब जन जोर से ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया, जोर से पूरी कलीसिया परमेश्वर के बड़े काम के लिए, अपने हाथों को उठाएं और इस गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।